ये मौजूद हैं बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के पास, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है। यहीं कुछ देर बाद जो है एबीवीपी के छात्र यहाँ पर अपना सीएबी के समर्थन में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, और आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और गार्ड्स अपने काम में लगे हुए हैं। हालांकि जो भी अंदर जाना आना सब बंद कर दिया गया है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज़, और मैं मौजूद हैं बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी पे। हम आपको बताते चलें कि आज यहाँ पर कैप और एनआरसी के समर्थन में कुछ एबीपी के छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले थे, मगर हम आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को ये बात पता चली तो वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बंद है, और साथ ही साथ पुलिस भी यहाँ पर मौजूद हो गई है और कुछ छात्र भी आपको दिख रहे होंगे। और हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताते चलें कि कुछ छात्रों का आज यहाँ पर वाइवा का एग्ज़ाम था, क्योंकि कहीं रामपुर से आए थे, कोई दिल्ली से आए थे, कई छात्र जो है बाहर से आए थे। हालांकि उनका एग्ज़ाम जैसे ही अंदर वो गए तो उनको रीज़न नहीं बताया गया कि किस लिए उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल उन्हें ये कह दिया गया कि आज छुट्टी है, आप जहाँ से जा सकते हैं। हमारे कुछ छात्रों से बात भी हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोर्ट अपने तैनात हो चुका है यहाँ पर, और फिलहाल तो प्रदर्शन का कोई अभी माहौल नहीं बन रहा है। लेकिन छात्रों ने जो हमारी बात हुई है छात्रों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक। हम आपको ये भी बताते चलें कि धारा 144 लागू उत्तर प्रदेश में है। इस कंडीशन में अगर धरना प्रदर्शन होता है तो उसका क्या होगा और किस तरीके से प्रशासन इसको देखेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ऑल राइट न्यूज़। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर रजा है, मैं यहाँ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस का MHW सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर आज आए हुए थे आप, क्या था? हमें आज बुलाया गया था, हमारा वाइवा था, और वाइवा हम सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है सुबह पहुँच गए टाइम से अपने, फिर इमरजेंसी में उसको पोस्टपोन किया गया। ये कारण अभी तक हम लोगों को नहीं बताया गया कि क्यों ये पोस्टपोन हुआ वाइवा, और मोस्टली स्टूडेंट जो है आउट ऑफ स्टेशन से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स को कोई कारण बताया अंदर आपने, पूछा है उनसे? हमने पूछा क्यों कैंसिल हुआ, तो अभी तक कोई किसी टीचर हेड और किसी ने भी जो है हमको इसका कारण नहीं बता पाए। बोले जब यहाँ पर आए तो हम हेड और डीन बोले, हमें भी नहीं पता था, तो मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब डीन और हेड को किसी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का अपने नॉलेज नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मतलब जो है दुर्भाग्य की बात है। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान, रामपुर से है। मोहम्मद रिजवान रामपुर से आए हैं, किस लिए आए थे आज यूनिवर्सिटी? तो क्या हुआ अंदर आप जब गए तो? और सबको वापस कर दिया गया, कुछ रीज़न नहीं बताया? कुछ छुट्टी आ गई है।